नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूँ आज के इस वीडियो लेकर। और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ नहीं होना देखना चाहता। आज मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ हुआ होगा, लेकिन बहुत बेकार चीज़ होती है जो होती है। तो चलिए आज बता देता हूँ। मेरा नाम है उज्जवल और मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। आज की वीडियो कोई टेक के बारे में नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको नॉलेज देगी यूट्यूब के बारे में। आज मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं सुबह एक वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैंने ये देखा कि जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और जब वीडियो अपलोड करने के बाद उसको मोनेटाइज कराया, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम डाल के जब मोनेटाइज कराने की कोशिश की तो उसमें लिख क्या आता है, यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज। मैं शॉक्ड हो गया, मैं बहुत एकदम परेशान हो गया। ये क्या चीज़ है, जब आप अर्निंग करते हैं, जब आप कमाई आप स्टार्टिंग कर देते हैं तो आप 0.1, 0.2, 3, 4 ऐसे जाते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आपका अगर ऐसे एडसेंस अगर आपका ब्लॉक हो जाए तो बड़ा अजीब लगेगा आपको। तो वैसे ही मुझे बड़ा बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने अर्निंग कर ली थी, ज़्यादा अर्निंग तो नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों हाँ अर्निंग होने लगी थी काफ़ी। 2-4 वीडियो मेरी काफ़ी देखी गई और उससे मेरी काफ़ी अर्निंग हुई, लेकिन आज सुबह मेरे साथ अर्निंग बंद कर दी गई गूगल एडसेंस से, ब्लॉक हो गया। अब वो रीज़न क्या दे रहा है, रीज़न ये दे रहा है कि आपने इनवैलिड क्लिक डन किया है। तो दोस्तों अगर मैंने इनवैलिड क्लिक डन किया है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो आप ज़रूरी है आपका जानना। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है, आपके जो वीडियो पे ऐड आते हैं, मतलब जो आप वीडियो मतलब जो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद उसमें जो ऐड आते दिखते हैं, तो उस ऐड में आपने खुद क्लिक मारा है, और वो ऐड आप बार बार वीडियो खोल के खुद देख रहे हैं कि आपकी अर्निंग बढ़े, रेवेन्यू बढ़ता जाए। तो दोस्तों इस वजह से मेरा पता नहीं एडसेंस ब्लॉक कर दिया गया। ऐसा मैंने शायद किया भी है दोस्तों, मैं गलती मानूंगा अपनी, मैंने कोशिश की थी ऐसा करा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन मैंने आज रिसर्च किया इसके बारे में और मेरा अकाउंट तो ब्लॉक हो चुका है, अकाउंट नहीं ब्लॉक हुआ है, गूगल एडसेंस से मोनेटाइजेशन ब्लॉक हो चुकी है। अब वो बहुत दो दो मोनेटाइजेशन ब्लॉक मतलब ऑप्शन होता है, एक तो होता है 1 मंथ का, एक होता है 6 मंथ का। जो ज़्यादा कमा लेते हैं, जैसे मतलब उससे बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन से पैसे कमा लिए, अब जब वो मतलब आपने जितनी भी गलतियाँ की हैं तो अब ज़्यादा पैसे कमाए, तो मोनेटाइजेशन का जो रूल होता है, और ज़्यादा पैसे अगर गलती करके कमाए, मतलब क्लिक मार मार के खुद अपने ऐड को खोल खोल के कमाए, तो क्या होता है कि वो 6 मंथ के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन मैं तो ज़्यादा अर्निंग नहीं किया था, मैंने ज़्यादा अर्निंग नहीं की थी और मेरा चैनल मतलब 1 मंथ के लिए ब्लॉक हुआ होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है, तो कृपया ध्यान दें, अपने वीडियो के ऊपर जो ऐड आए उसे क्लिक ना करिए उसके ऊपर, और एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद उसको खुद लाइक ना कीजिए और खुद कमेंट भी उसमें ना कीजिए। अब एक बार आपने वीडियो अपलोड कर दी तो आप लोग चेक करने के लिए बार बार खोलते हैं, देखते हैं आप कितना व्यू आए, कितने लाइक्स आए, और उसी चक्कर में जब जब ऊपर ऐड चलता है तो आप खुद ही अपना ऐड देखते हैं, और उसकी वजह से इनवैलिड क्लिक या जो गलत एक्टिविटी होती है वो डन हो जाती है। और गूगल बहुत ही चालाक है, गूगल एडसेंस ऐसे मनी नहीं देता है, वो इतना चालाक है कि हर एक एक आप जो भी मतलब अपने चैनल से कर रहे हो उसे सब पता रहता है। तो दोस्तों आप भी ऐसी कभी मतलब अपनी एक्टिविटी ऐसे कभी ना कीजिएगा, चैनल से आप अपनी वीडियो बनाइए, और कोई कॉपीराइटेड इशू नहीं होना चाहिए, उसके वजह से भी मोनेटाइजेशन ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसी कभी भी कोई चीज़ मतलब जब आप डाल दें वीडियो बना के, आप अपनी बढ़िया से डाल दें, तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी वीडियो आप बार बार खुद मत ओपन करिए, वरना आप जब 6 मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए जब ब्लॉक हो जाता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उस समय अर्निंग जो होती है वो बंद हो जाती है, और 1 मंथ काफ़ी लॉन्ग टर्म टाइम होता है। अब मेरा तो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना, और मैं एडिटिंग का भी काफ़ी हॉबी है मेरी, एडिटिंग करना मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं वीडियो तो बना के डालूंगा ही। अब मेरा मेन मकसद अर्निंग करना वीडियो से नहीं है, मेरा मेन मकसद है कि मैं अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ा सकूं, अपने वीडियो पे ज़्यादा व्यू ला सकूं, और जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको नॉलेज दे, बस इतना ही मेरी उस वीडियो से, बस मेरे को इतना ही काम है। और जो चैनल मैंने बनाया है वो खाली आप लोग के लिए बनाया है, मैंने अपने लिए वो चैनल नहीं बनाया है, ना मैं उससे अर्निंग करना चाहता हूँ ना कुछ। लेकिन एक मोनेटाइजेशन जब मैंने ऑन किया था तो मैंने सोचा था कि चलो अगर
प्रॉफिट हो भी रहा है किसी चीज़ से तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मेरा मेन मकसद कभी नहीं रहा कि मैं अपना ही बस वीडियो बना बना के डालूं और उससे पैसे बढ़ाता रहूं, ये मेरी मेन मकसद ही नहीं है। जब मैं अच्छी चीज़ लोगों को बताऊंगा तो लोग मेरा चैनल खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, और जब सब्सक्राइब जब मेरा चैनल करेंगे तो व्यू बढ़ेंगे, और जब व्यू बढ़ेंगे तो जितने लोग मेरा एड्स देखेंगे तो अर्निंग तो होगी दोस्तों। तो सबसे पहले ज़रूरी है मैं आपको एक अच्छी नॉलेज दूँ जिससे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो मेरी देखने की कोशिश करें जो कि मैं अपलोड करता रहता हूँ। और अब दोस्तों, जब मैं पहले मैंने क्या किया था, मैंने अपनी जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो मैं अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर करके वीडियो पे एडिट करके स्लाइड शो बना के और उसमें रिसर्च करके आपको मैं एडिट करके देता था। लेकिन अब दोस्तों मेरी एक या दो दिन में एक वीडियो आएगी, लेकिन मैं खुद सामने होऊंगा जैसे मैं आज आप लोग के सामने हूँ, क्योंकि मेरे से कमेंट आए मेरे वीडियो पे कि आप सामने आइए, आपको मतलब सामने आके अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा लोगों को इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अब सामने आके बताऊंगा, उसमें एडिटिंग में काफ़ी देर लगती है दोस्तों, तो अब एक या दो दिन मेरी एक वीडियो आएगी, लेकिन हाँ दोस्तों अच्छी वीडियो होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा ना हो तो आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने खास तौर से बनाया, क्योंकि आपके साथ कभी ये परेशानी ना आए। तो दोस्तों अगर ये इनवैलिड क्लिक की अगर ये बात आपको मैं बताइए तो वो बहुत नॉलेजेबल बात है, क्योंकि मैं आज फंस चुका हूँ उस चक्कर में, और मैं ये नहीं चाहता कि आप भी कभी ब्लॉकिंग का शिकार बने। तो दोस्तों बस ये करना होता है इनवैलिड क्लिक, मतलब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी डन कर दी है अपनी वीडियो के साथ या तो अपने चैनल के साथ जो कि का टर्म एंड कंडीशन में गूगल एडसेंस के फॉर्म में जब भरते हैं तो नहीं दी रहती है। तो दोस्तों इनवैलिड क्लिक मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनवैलिड क्लिक मतलब आप अपनी वीडियो के ऊपर जो ऐड आ रहे हैं उसे बार बार खुद ओपन मत करिएगा, और बाकी जो उसमें होता है कि जो क्लिक करता है ऐड पे, ऐड के क्लिकिंग पे जो पैसे मिलते हैं आप अपनी वीडियो को खुद क्लिक मत कीजिएगा। तो दोस्तों और एक बार अपनी अगर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उसे बार बार ओपन करके अपनी वीडियो को खुद लाइक करके उसके नीचे खुद कमेंट करके लोगों से चैटिंग करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब जब आप ओपन वीडियो करेंगे तो ऐड तो ओपन होंगे, और ऐड ओपन होंगे तो गूगल बहुत ही चालाक है, और मैं आज शिकार बना उसका। मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस बात की, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं अर्निंग के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपनी हॉबी के लिए बनाता हूँ, और मेरी हॉबी से लोगों को जो नॉलेज मिल सके मैं उसके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, खाली आपको नॉलेजेबल अगर ये वीडियो लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं हमेशा आपके लिए एक न्यू टेक वीडियो लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अगले दिन भी आपके लिए हमेशा मतलब आपके लिए वीडियो टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ, टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, बस आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मैं फिर एक न्यू टेक वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।